फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के नए कानून के विरोध में कर्मचारियों का आंदोलन हिंसक हो गया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार फ्रांस की संसद में अविश्वास प्रस्ताव से जैसे तैसे बची, लेकिन जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया है। सिर्फ पेरिस में ही कर्मचारियों के साथ हिंसक झड़प में 400 से ज्यादा पुलिस वाले अभी तक घायल हो चुके हैं। पेरिस में पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था ये भीड़ कर्मचारियों की है। अपना काम काज बंद करके हजारों लोग सड़कों पर हैं। पुलिस पर पटाखे और आतिशबाजी जलाकर फेंक रहे हैं। गुस्से की ये आग फ्रांस में पेंशन सुधार कानून के विरोध में भड़की। पेंशन सुधार कानून के खिलाफ इस आंदोलन में फ्रांस के लगभग 13 लाख कर्मचारी सड़कों पर हैं। इनमें एयरलाइंस कंपनियों में काम करने वालों से लेकर सफाई कर्मचारी तक शामिल हैं, जिसकी वजह से फ्रांस में लगातार उड़ानें रद्द करनी पड़ रही। हफ्ते भर से कूड़ा उठाने का काम बंद, इसलिए पेरिस की सड़कों पर 10,000 टन से ज्यादा कचरा फैला हुआ है। फ्रांस में पेंशन सुधारों की चर्चा 2017 से ही चल रही थी। फ्रांस की सरकार की दलील थी कि सरकारी खजाने पर पेंशन का बोझ बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, इसलिए वो रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करना चाहती है। फ्रांस की लेफ्ट विंग पार्टियां और कर्मचारी संगठन रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के खिलाफ साल 2019 में हड़ताल पर चले गए। फिर कोरोना महामारी आ गई, इसलिए राष्ट्रपति मैक्रों को पेंशन सुधार का फैसला टालना पड़ा। लेकिन जनवरी 2023 में फ्रांस की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल करने के कानून का मसौदा पेश कर दिया। विरोध प्रदर्शनों के बाद 16 मार्च को मैक्रों सरकार ने इस कानून को संसद से पास कराए बिना सीधे राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए लागू कर दिया। इसी के बाद कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतर आए। वहीं फ्रांस के विपक्षी दलों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, जिस पर वोटिंग में मैक्रों की सरकार बाल बाल बची। महज 9 वोटों की कमी से अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इसके बाद मैक्रों ने प्रधानमंत्री को पद से हटाने या समय से पहले चुनाव कराने से भी इनकार कर दिया। अब आंदोलन कर रहे फ्रांस के कर्मचारी संगठन इस जिद पर अड़े हैं कि या तो पेंशन सुधार कानून बदला जाए या फिर इस कानून पर जनमत संग्रह कराया जाए।